नमस्कार दोस्तों, आज पाकिस्तान की हार और जीत के बाद बदल जाएगा एशिया कप 2022 का पॉइंट्स टेबल। आज पाकिस्तान की हार और जीत से होगा एशिया कप के पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एशिया कप के महज दो मुकाबले बचे हैं, जिनमें से आज एक मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम के बीच शाम को खेला जाएगा और फिर उसके बाद 11 सितंबर को फाइनल मुकाबला भी इन दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। और आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले मुकाबले से एशिया कप के पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा चेंज हो सकता है। अगर पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में जीत जाती है तो श्रीलंका की टीम एशिया कप के पॉइंट्स टेबल में नंबर दो पर चली जाएगी और वहीं पाकिस्तान की टीम अपने तीनों मुकाबलों में जीत हासिल करके नंबर वन पर बनी रहेगी। हालांकि दोनों टीमों को हार और जीत से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पर रहेगी। और वहीं भारतीय टीम तो अपने शुरुआती दो मुकाबले हार कर एशिया कप से पहले ही बाहर हो चुकी थी, जिसकी उम्मीद पहले किसी को भी नहीं थी, क्योंकि भारतीय टीम एशिया कप के शुरू होने से पहले एशिया कप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानी जा रही थी। लेकिन एशिया कप शुरू होने से पहले भारतीय टीम के गेंदबाज चोट की वजह से बाहर हो गई, जिस वजह से भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी ज्यादा कमजोर हो गई और अनुभव की कमी होने की वजह से भारतीय गेंदबाज भारत को एशिया कप के फाइनल मुकाबले तक नहीं पहुंचा पाए। और वहीं पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पर श्रीलंका की टीम है, जो अपने दो मुकाबलों में चार पॉइंट हासिल कर चुकी है और उसके बाद नंबर दो पर पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान की टीम भी अपने दोनों मुकाबले जीत कर चार पॉइंट हासिल कर चुकी है। वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय टीम है, जो अपने तीन मुकाबलों में महज एक मुकाबला जीती है और दो पॉइंट हासिल कर पाई है। और चौथे नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है, जो अपने तीनों मुकाबलों में बुरी तरह से हारी है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।